गुरु गोबिंद गोपाल गुरु गुर पूरन नारायण है गुरदयाल समरथ गुरु गुरु नानक पतत उदारण है चवर शतर तख दे मालक साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच सुभायमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत दी फतेह प्रवान करो। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हर कृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे आप सरबत संगतां हाजरीन हो बड़ी सहजता दे नाल सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह हुणा ने आप संगत नूं तुरकी बाणी दा फुरमान सरवण करवाया है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे 400 साल प्रकाश उत्सव नूं समर्पित तिन्हां दी पवित्र बाणी दी जो विचार चल रही है आओ उस गमी विचार दे नाल जुड़ करके अपने समय नूं जीवन नूं सफला करन दा जतन करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी जन्म जन्म परमत फिरयो मिटयो ना जम को त्रासो कहो नानक हर भज मना निरपय पावह बासो श्री गुरु तेग बहादुर साहिब इस श्लोक दे विच दुनिया दे अंदर जो 84 लख जूना दा गेड़ है कर्मां दी मार भोगण लई जीव इन्हां जूना दे विच पै जांदा है और जीवन काल उसनू जमा दा जो डर सताउंदा है मौत दा जो डर सताउंदा है ओदी निवृत्ति लई परमात्मा दे गीत गाउण दा हुक्म करदे ने। इत्थे कईआं जन्मां दा वेरवा बाणी दे विच मिलदा है जन्म तों भाव है उत्पत्ति पैदाइश जीव दा जो मुड है आगाज है आरंभ है महाराज पातशाह कहिंदे जन्मां दे विच बेअंत जूनां दे विच परमत फिरयो परमत दा भाव है भ्रमण करना पौंदे फिरना कहिंदे कई जन्म जीव नूं धारने पए और हर जन्म दे विच उसनूं मौत दा डर सताउंदा है जमा दा डर सताउंदा है जमण मरण दा डर सताउंदा है जम लफ्ज़ ज़्यादातर गुरबाणी दे विच प्राण कढ़न वाले देवते लई आया है
मैसेंजर ऑफ डैथ, मौत का जो देवता है, जिवें बाणी चाहुंदा ना, मन्ना जम कै साथ ना जाए। वो जमा दे घर नहीं जाते जेडे अकाल पुरख नूं मनदे ने। जम लफज धर्मराज लई भी आउंदा है, जम दर बद्दे मारी है कूक ना सुने पुकार। जमा दा दर धर्मराजे दा दर। कहिंदे जो मौत दे देवते दा डर है, जो धर्मराजे दा डर है, जो जन्म दा डर है, जन्म दा भी बड़ा भय है, कोई 9-10 महीने गर्भ विच उल्टे लटके रहना सुखाला नहीं है। कई बार गर्भ विच ही बंदा गल जांदा है, कईयां जूनां विच इसे तरह गर्भ विच उहदा गाला हुंदा है, कई बार उत्पत्ति हो जाती है, कई जीवन विच रोग ने, कई सोग ने, आने वाला भविख बंदे नूं सताउंदा है, जिन्हें भी दुख ने। महाराज कहिंदे जमां दा जिहड़ा डर है, भय है, खौफ है, त्रास है, ये किसी जून विच भी नहीं मिटदा। हरेक नूं मौत दा डर है। तुसीं वेखो पशु पंछी भी मौत तों डरदे ने, कोई मरना नहीं चाहुंदा। इन्हां जूनां दा कारण गुरु ग्रंथ साहिब ने यह दसिया है, वेमुख होए राम ते लगन जन्म वियोग। जूना की ने परमात्मा तो जुदा होना। और महाराज कहिंदे ने परमात्मा तो जेड़े वेमुख ने, परमात्मा तो जेड़े दूर ने, वो जूना विच आउंदे ने। जेड़े परमात्मा नूं याद करदे ने, वो परमात्मा दे चरणां विच अभेद हो जांदे ने, वो नज़दीक हो जांदे ने, उन्हां दा जम्मण मरण कटिया जांदा है। बेअंत जूना दा जिक्र बाणी विच आउंदा है, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया। महाराज कहिंदे किधरे तू कीड़ा बनिया, किधरे तू हाथी बनिया, पतंगा बनिया, ये जीव इउं बेअंत जूना विच तू आया है। अगे पातशाह कहिंदे ने अनक जोन परमै परमिया, इउं अनंत जूना दे विच यू वंडर्स, तैनू घूमना पिया, तैनू आना पिया परमात्मा दे हुकम विच। नाना रूप ज्यों सुवांगी दिखावै है, सुवांगी हुंदा है जेड़ा नकलिया होवे, तुहाडी नकल करे, जिवें कोई बाजीगर खेड पाउंदा है, कोई सुवांगी सुवांग रचाउंदा है। कहिंदे जिवें सुवांगी दे कई रूप ने, इदां जीव तैनू कई रूप दुनिया ते तारने पए। ज्यों प्रभ भावै तिवै नचावै, कठपुतलियां दी न्याई जूना विच तैनू परमात्मा नचाउंदा है। उहदे हुक्म दे विच तैनू जूना मिलदियां ने, जो तिस भावै सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए। सो अकाल पुरख दे हुक्म विच ही ये सारी खेड चलदी है। एक जगह महाराज होर जिक्र करदे ने, राज ते कीट, कीट ते सुरपत कर दोख जठर कौ परते, कृपा निध छोड़ आन को पूजे आत्म घाती हरते। ये अर्थ समझो, कहिंदे इउं ना समझ लई भी तू आम इंसान है, तैनू ही कर्मा की मार भोगनी पैंदी है। कहिंदे कीड़े तो लैके इंद्र देवते तक, जो देवत्या च महान देव है, कहिंदे इउं नाचीज तो लैके बुलंद हस्ती, जितने भी दुनिया के उत्ते पैदा होए ने, सारे ही कर्मगत अनुसार जठर कौ परते गर्भ विच आउंदे ने, जूना विच आउंदे ने, सारे अकाल पुरख दे हुकम विच ने।
तेरे लिए कोई देवता वड्डा हो सकता है, परमेश्वर दे लई सारे नाचीज ने, चाहे कीड़ा है, चाहे लोकाई विच सब तो कोई बलवान पुरश है, कोई राजा है, कोई पीर है, कोई रहबर है, कोई देवता है, सारे ही कर्मा की मार हेठ ने। परमात्मा नू छड़ के होरां दे लड़ जिहड़े लगे हुए ने, वो फिर होरां दे दर जोगे रह जांदे ने। मुक्ति परमात्मा दे नाल लग के हासिल होनी सी, नजात मिलनी सी, रब तो दूर हो गए, होरां जूना विच आउणा पै गया। कहिंदे हर बिसरते दुख दुख मरते अनक बार, ब्रह्मह बहु जोनी टेक ना काहू तरते। जदों परमात्मा तो दूरी बन गई फिर जूना विच दूर ही रहना पैंदा है, कईयां जूना विच पड़कना पैंदा है। त्याग स्वामी आन को चितवत, मूड़ मुगद खल खरते, कागर नाव लंघै कत सागर, बिरथा कथत हम तरते। कहिंदे इउं समझ लो संसार सागर नूं तरन लई जहाज चाहीदा है, वह है अकाल पुरख दा नाम। जिन्हां दे आसरे असी हाँ उहने कागज दियां बेड़ियां, परमात्मा तो लहदा होर किसे दे लड़ लगना इउं है जिवें कागज दी बेड़ी विच बैठ के सागर नूं तरन दा जतन करना है। सो कहिंदे डुबना पवेगा, अकाल पुरख तो दूरी जूना दा कारण है। अकाल पुरख तो दूरी 84 लाख दे गेड़ विच पा दिंदी है, और हर जून दे विच मौत दा भय सतांदा है, जमा दा त्रास डराउंदा है। सो पातशाह अगे निरभौ पदवी किवें हासिल हुंदी है, मौत दा भय किवें निवृत हुंदा है, नजात किवें मिलदी है जूना तो, लिबरेशन किवें मिलदी है, एमेंसीपेशन किवें मिलदी है, गुरु तेग बहादुर साहब अगे दसदे ने। कहो नानक हर भज मना, निरपै पावह बास, महाराज कहिंदे परमात्मा दा भजन कर। हर लफ्ज वरत्या है, हरीव धातु तो बनिया, हर दा भाव है जो तुहाडे दुख रोग हर लैंदा है, अग्ञान तुहाडा हर लैंदा है, मिटा दिंदा है तुहाडे अग्ञान नूं रोगां सोगां नूं, जो हरिया भरिया करन वाला है। कहिंदे उहदा भजन कर, भज मना हे मन, उसदी सेवा कर, उसदी भगती कर, उसनू अंगीकार कर, उसनू याद करिया कर। हुण परमात्मा निरभौ है, उहनू किसे दा खौफ नहीं। जेड़ा निरभौ नू ध्यावेगा, महाराज कहिंदे ओ निरभौ हो जावेगा, ओ बेखौफ हो जावेगा, ओ निडर हो जावेगा। निरपै पावै बास, बास दा मतलब है वासा, वास कर लेना। जदों अकाल पुरख नूं ध्याओगे, अकाल पुरख विच एकमिक हो जाओगे, वह निरभौ है ते तुसी भी निरभौ हो जाओगे। यही तरीका है मौत दे डर तों रहत होण दा, वह है अकाल पुरख दे गीत गाउणे। फिर जमां दा डर नहीं, जन्मां दा डर नहीं, धर्म राजे दा डर नहीं, मौत दी फाही दा डर नहीं, दुश्मनां दा डर नहीं। तुसी रोज़ पढ़ते हो नितनेम विच, जिन निरभौ, जिन हर निरभौ त्याया जी, तिनका भौ सब गवासी, जिन सेविया, जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। कहिंदे निरभौ नू जपण वाले निरभौ हो जांदे ने, निरभौ नूं जपण वाले निरभौ विच अभेद हो जांदे ने। जिहड़ी नदी सागर विच मिल जावे वह सागर दा रूप हो जांदी है। सो परमात्मा दे गीत गा के ही रोगां सोगां दा खौफ मिटदा है, मौत दा भय मिटदा है। गुरु ते परमेश्वर दो ऐसे रुतबे ने, एक जोत है, एक सरूप है, जिहदी शरण जाया मौत दा खौफ नहीं रहिंदा।
निर्भव सतगुर है रखवाला, भगत प्रापत गुर गोपाला। जेडे गुरु की शरण जाते ने वह निर्भव हो जाते ने, द फीयरलैस। गुरु इज द सेवियर एंड द प्रोटैक्टर, गुरु रख्या करन वाला है, जमा दे डर तो नजात दवाउन वाला है, बेखौफ करन वाला है। दिल्ली दे लोकां नालों वध के होर केड़ा जानदा है भी गुरु तेग बहादुर साहब की शरण बेखौफ कर दिंदी है। महाराज चांदनी चौंक कैद ने सनातन मत नूं हिंदू मत नूं रखण दे लई, जंजू नूं रखण दे लई कुरबानी करन आए ने। और हैरानी इस गल दी है, जेड़ा जंजू वो आप नहीं पहनते क्योंकि वह सिख ने, जेड़ा जंजू बचपन विच गुरु नानक साहब ने पहनण तो मना कर दिता है, जिस धर्म के चिन्ह उत्ते उन्हां दा भरोसा कोई नहीं है, अकीदा कोई नहीं है, वह उन्हां दे धर्म का चिन्ह नहीं है, उस धर्म के चिन्ह नूं रखण लई आपा वार देना तां किहा जांदा है तेग बहादुर सी किरिया करी ना किन्हूं आन, क्योंकि अपणियां लई सिर देण वाले तुहानूं बड़े मिल जाणगे, गैरां नूं रखण वाला केवल गुरु तेग बहादुर है। हुण जिहड़े धर्म नूं तुसीं बिलोंग नहीं करदे, जिहड़े धर्म ते तुहाडा अकीदा नहीं है, जिहड़े धर्म दे चिन्हां दे तुसीं धारनी नहीं, उस धर्म दे चिन्ह दी खातर सिर देना ये कोई रहबर महापुरश नहीं कर सकिया। ये जगत गुरु तेग बहादुर साहब कर गए ने, क्योंकि वह सारे जगत के खसम ने। जगत दे विच जेड़ा भी दुखी आवेगा, जो सरणे आवै तिस कंठ लावै हो बिरध स्वामी संदा, सतगुर मेरा सदा दयाला मोहे दीन को राख लिया। महाराज पातशाह सब नूं रखण वाले ने, उन्हां दी शरण आया किवें बेखौफ होईदा है, कदे इतिहास पढ़िओ। जदों भट वही मुल्तानी सिंधी पढ़ते हो ना तुसी, उस इतिहासक दस्तावेज दे विच भाई मतीदास ते सतीदास दी बंस दा जिक्र आउंदा है। उहदे च जिक्र मिलदा है गैले मतीदास सतीदास बेटे हीरा नंद के, पोते लखीदास के, पड़पोते पिरागा के, वंश गौतम का, सरस्वती भागवत गोत्रे शिबर ब्राह्मण मारे गए, उन्हां दी सारी वंश का जिक्र मिलता है। सके भरा ने मतीदास ते सतीदास। और गुरु अर्जन देव जी का जो अनन सिख है ना भाई पिरागा, भाई पिरागे दे परिवार विचों ने ये, ते भाई पिरागा दी इन्हां दा जिक्र भाई गुरदास जी ने वारां विच कीता है, पुरख पिरागा शब्द आधारा। वो गुरु दे शब्द दे आसरे रहण वाला महापुरश सी। वो गायत्री छड़ के जपजी साहिब पढ़न लग पिया सी, भाई पिरागा गुरु दा सिख बन गया सी, ते उहदी वंश दे विच ही भाई मतीदास ते सतीदास पैदा होए सन, जो चरणामृत छक के गुरु तेग बहादुर साहब जी दे सिख बने सन। भाई मतीदास जी गुरु दे दीवान सन। अमृत किसनू मिलदा सी उदों, सिख कौन सजदा सी? बाणी दा भाई गुरदास जी दा ए मुबारक बोल है, पाणी पखा पीहणा पैर धोए चरणामृत पावे। गुरु दे दर ते पखे दी सेवा करनी, जल ढोण दी सेवा करनी, आटा पीसना, कोई भी गुरु दे दर ते जो सेवा करदा सी, सिमरन करदा सी, भजन करदा सी, जदों गुरु साहब खेड़े विच आउंदे सन ते चरणा दा अमृत बख्शदे सन, गुरु नानक तों लैके गुरु तेग बहादुर साहब तक। फिर दसवें जामे विच खंडे दी पौल गुरु गोबिंद सिंह ने बरसा दित्ती। खैर, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी आदक गुरु के चरणा दा अमृत लैके सिख सजे सन, हिंदू तो सिख बने सन।
महिमा प्रकाश दे विच साखी छेवी है जिक्र मिलता है मती दास गुरु के दीवान सिखी मोह पूरन प्रमाण। वो गायत्री नहीं सन पढ़ते, वो हिंदू तो सिख बन गए सन, जपजी पढ़ते सन। कहिंदे ऐसे महान सिख सन भाई मती दास जी, उन्हां तो कई सिख सेध लेंदे सन भी सिखी किवें निभाउणी है। महाराज पातशाह दे दीवान ने, सेवक ने, सिख ने गुरु साहब नूं तसीए दिते जा रहे ने चांदनी चौंक। जदों तसीए दे रहे सन रोह विच आए भाई मती दास ते सह सुभाग गलुए चों बोल निकलिया, पातशाह हुक्म करो ते दिल्ली ते लाहौर दी इट नाल इट वजा दवां। गुरु तेग बहादुर साहब ने ना झिड़किया, ते झिड़क के भाई मती दास जी नूं पुछया है भी भाई मती दास जी ये दिल्ली ते लाहौर दी इट नाल इट वजाउण वाली ताकत कित्थों प्राप्त कीती है, ये असमत कित्थों हासिल कीती है। ते प्रेम विच हाथ जोड़ के निम्रतावान होके भाई मती दास ने कहा सी गुरु साहब तुहाडे चरणा विचों तुहाडा नाम जप के तुहाडे गीत गा के भाणा मन के खेड़े विच रहण वाला खुद खुदा गुरु तेग बहादुर साहब दा ये जवाब सी। कहिंदे भाई मती दास जी जिस समुंदर तो जल दा तुपका हासिल करके शक्तिमान होए हो उसे सागर दे सामे अगे अहंकार दे बोल करने ये ठीक नहीं, क्यों भुल जांदे हो गुरु समुंदर है ते सिख नदी है ते समुंदर विच लखां नदियां प्रवेश कर दियां ने, समुंदर उछलदा नहीं ते नदी विच थोड़ा जिहा जल भी होवे ते उछल लग पैंदी है। ठीक है तुहानू असीं करामात दित्ती है पर उछलना छड्ड दिओ, गुरु दे पाक बोल सन जिन समुंदर ते जल कन पावै पुन तिस आगै गर्भ जनावै आपन आप को करहै बखान जिस तो लीनस तिस नह जान। अपने आप नूं प्रगट कर रहे हो, ताकत विखा रहे हो, जिथों ताकत हासिल कीती है क्यों भुल गए हो, सागर सुक नहीं गया, उच्चों लखां नदियां बाहर निकल जान, लखां नदियां उहदे च प्रवेश कर जान, सागर आनंद विच रहिंदा है, उहनूं ना कोई घाटा ते ना कोई वाधा, ना घाट है ना बाढ़ है, ना घाट बाढ़ होत है। गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे गुरु समुंद नदी सब सिखी नातै जित वड्याई, गुरु सागर है अजमत दा, सिख नदी है ते सागर दे सामे नदी बात करे भी मैं इट नाल इट खड़का दवां दिल्ली लाहौर दी, ये बात पातशाह कहिंदे ठीक नहीं है। जिहड़े गुरमुख हुंदे ने ना भाई मती दास जी ओ प्रभु दे भाणे विच प्रभु दे हुकम विच दुख सुख जरदे ने, हुक्म मनन वाला ही प्रवान है। सो अपनी ताकत नूं जरना सिखो, जेड़ा परमात्मा दे हुक्म दी अदूली करदा है उहदे नाल परमात्मा नाराज हुंदा है। जे अज मौत तो डर के आपां अजमत विखाई ते लोकां कहना जे गुरु खुदा दा सरूप सी ते करमगत विच जदों शहीदी लिखी है मौत लिखी है मौत तो भय पीत होके शक्तियां विखाउण लग पिया, अज भाणा मनन दा समा है भाई मती दास जी। बाणी दा फुरमान है हुक्म मन्या होवै परवान तां खसमे का महल पाए सी, बापू दे दो काके होण एक हुक्म दूली करे एक आग्या च रवे ते पिता खुश के दे ते हुंदा है, जिहड़ा आग्या विच चलदा है, जिहड़ा आग्या नहीं मनदा उहनूं ते बेदखल कर दिंदा है। परमात्मा दी खुशी हुक्म मनण विच है, खसम दा महल वह पा सकता है जो हुक्म मनदा है। खसमे भावै सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी, खसम नू जो पा जावे वो सिर निवा के मन लवे
ते महाराज कहिंदे मन चिंदे फल प्राप्त हुंदे ने। परमात्मा दे हुकम विच चलना ही चाहीदा है। कहिंदे तां दरगह पैंदा जायसी ओदी वडियाई दरगाह विच भी है, दरगाह विच उसनू जगह मिल जांदी है। भाई मती दास जी गुप्त हुंदे ने, हुणे जिहड़े करामात दिखाउण वाले बोल उहना गलुए चो कहे सी ना, औरंगजेब दे दरबारियां ने अहलकारां ने सुन ले, बड़ा गुस्से विच आए ते कहिंदे इहनूं सख्त तो सख्त सज़ा दित्ती जावेगी। वो जाणदे ने भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी गुरु दे अनन सिख ने, ते जे गुरु तेग बहादुर दे सामे इन्हां नूं तड़पा तड़पा के तसीहे दे दे के दुखदायक मौत दित्ती जावे, ते अपने निकटवर्ती सिखां दी तड़प तड़प के हुंदी मौत नूं वेख के शायद गुरु कंब जावे, डर जावे, ते दीने इस्लाम कबूल करे। गुरु इस्लाम विच आ गया ते भारत वर्ष दे सारे हिंदू अपने मुरशद दे पिछे जंजू ला के कलमा पढ़ लैणगे। इह व्यौंत घड़ी गई है। और समा मुकर्र किहड़ा करदे ने, जगह मुकर्र किहड़ी करदे ने, उह है चांदनी चौंक दा खुला बाजार। उत्थे भीड़ बड़ी है, डंके ते चोट करके इन्हां सब नूं मौत दे घाट उतारिया जावेगा। लोग ये मंजर वेख के भय पीत होणगे ते सिखी दी लहर चल रही है भारत विच उसनूं ठल पवेगी। लोग तौबा करनगे, सिख नहीं बणनगे। सो सिखिज़म हिंदूइज़म ये सब खत्म हो जावेगा भारत विचों। तिन्ना सिखां नूं ये सोच के शहीद किया जाता है। उन्हां चों भाई मती दास की गल करा, मौलवियां दे फतवे अनुसार भाई मती दास नूं लकड़ दियां गेलियां नाल बन्निया जावेगा। ते फिर लकड़ां चीरन वाला आरा लिया के सीस ते टका के उसनू चीर दिता जावेगा। तैयारी कीती गई है। मौलवियां उत्थे दो गल्लां कहियां ने, अहलकारां दो बचन कहे ने, कहिंदे हुण वी समां है इस्लाम कबूल कर ला, ते जे नहीं कबूल करनी ते आखरी इच्छा दस। ते भाई मती दास ते बोल सन, सर्ब धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। साडा धर्म है अकाल पुरख नूं मनना, अकाल पुरख दे गीत गाउणे, यही श्रेष्ठ धर्म है, सिख धर्म है। असी कलमा नहीं पढ़दे, गुरु दा बख्शिया सिख धर्म मैं नहीं छड्डांगा। कहिंदे फिर आखरी इच्छा दस। भाई मती दास ने यह बचन कहा सी, ठीक है मैं अडोल हाँ अडिग हाँ, पर मेरी एक इच्छा है किते अखीरले स्वासां तक भी तिलकणबाजी बड़ी है, मन डोल ना जावे। मेरा आसरा मेरा गुरु तेग बहादुर है, जदों मैनू मौत देन लगो, तसीहे देन लगो, ते मेरा मुख मेरे गुरु वल चाहिदा है। हुण ये अखीरली शर्त रखी गई। दोवां फटियां दे विच बन के इहदा चेहरा गुरां वल कीता गया। पिंजरे विच पातशाह कैद सन, सिर ते आरा रखिया गया, नेत्रां नाल अपने गुरु दे दिदारे करदा है। ओ गुरु है जेड़ा निरभउ है, ते जेड़ा इस गुरु दी शरण आ जांदा है, महाराज कहिंदे निरभय पावै बास, उहनूं मौत दा भय नहीं रहिंदा। दो तख्त मों दिया बंधाए, जला दन को हुक्म करवाया, आरे सो तिस तन चीराया। दोवां फटियां विच बन के जलादा नूं हुक्म कीता, सिर ते आरा रख के चीर दिओ। आरा चलण लगा, गुरु तेग बहादुर साहिब दे दिदारे करदा भाई मती दास जपजी पढ़न लगा। आरे ने खोपड़ चीर दिता,
जपजी साहब चलता गया, शरीर दो फाड़ हो गया। इतिहास विच ए बचन दर्ज ने, अर्धो अर्ध चिराए सो डारा, परयो पृथ्वी पर हवै दो फारा। दोनों तन ते जपजी पड़े, हेरत सबके अच रज बढ़े। तन चीरिया गया टुकड़े हो गए, हर रोम दे विच्चों जपजी दी आवाज आ रही सी। इनू गुरु ग्रंथ साहब कहिंदे ने, गुरमुख रोम रोम हर त्यावै, नानक गुरमुख साच समावै। आरा चलदा होवे दर्द नाल बंदा कुरला उठदा है, पै पीत हुंदा है, जान बचाउण लई कीरने पाउंदा है। गुरु तेग बहादुर साहब दी शरण दा नतीजा है। भाई मती दास दे गलुए चों जपजी चल रही सी, तरा तरा नहीं निकली। ये मौत तो डरदे नहीं जिहड़े गुरु दी शरण आ जांदे ने। गुरु परमेश्वर दा स्वरूप है, गुरु परमेश्वर दा अवतार है। जिहड़े गुरु दी शरण आ जाण, उहनां नूं रोगां सोगां दा मौत दा भय नहीं रहिंदा। भाई मती दास जी शहीद होए, भाई सती दास जी शहीद होए, भाई दयाला जी शहीद होए। कुछ व्यापारी सन, व्यापारी गुरां दे सेवक ने, वो बड़े दुखी ने भी गुरां नूं तसीहे दिते जा रहे ने। काजी उल कजात वहाब अली इतिहास लिखता है, जेड़ा काजी सी बड़ा लालची ते रिश्वतखोर सी। व्यापारियां राय कीती भी इनू लखां रुपया दे के गुरु साहिब नूं छुड़वा लिया जावे। मनसावली नामे विच जिक्र है, सिखां जाए मुसदिया रुपया किरोड़ देना करिया। नवां चरण पढ़ियो कदे मनसावली नामे दा। उन्हां पैसे कट्ठे कर ले व्यापारियां ने, सिखां ने। महाराज नूं जदों पता लग्या ना, ते गिला कीता सी, कहिंदे परमात्मा दे हुकम विच विघन पा रहे हो, तुसी पैसा दे के मैनूं छुड़ाउण लगे हो। अज दीन नूं बचाउणा है, धर्म नूं बचाउणा है, सच दी खातर मैं आपा वारना है, ते तुसी परमात्मा दे इस भाणे विच दखल दे रहे हो, ठीक नहीं है। सीस है सुपना, इस अंत है जाना, रजाए साई दी सीस पर, जो होवे उसदा भाणा, असी भाणा मनना है। महाराज ने मना कर दिता। शहादत दी अवधि माणी, वो शहीद होया ते हिंदू धर्म सुरजीत होया। तिलक जंजू राखा प्रभ तांका कीनो बडो, कलू मैं साका। जदों मुरशद कलमा ना पढ़े, ते औरंगजेब ने कसम खाधी सी, जे मुरशद झुक जावे ते सनातन मत झुक के कलमा पढ़ेगा, मुरशद नहीं झुकया ते सनातन मत वल मंदी नज़र नहीं पावेगा औरंगजेब। मुरशद साडा नहीं झुकया, सनातन मत हिंदूइज़म बच गया, सिख जगत बच गया, जंजू दी रखिया होई। ये सारे किस्से वल ध्यान दो, ते एक गल दी समझ आउंदी है, गुरां नूं मौत दा भय नहीं है, गुरु दे सेवकां नूं मौत दा भय नहीं है। बाणी कहिंदी, भय रच रहै सो निरभउ होए, जैसा सेवै तैसा होए। जेड़े अकाल पुरख दे डर विच रहिंदे ने, उन्हां नूं होरां दा डर नहीं रहिंदा। जेड़े अकाल पुरख विच रच गए, वह अकाल पुरख दा ही रूप हो गए। जेड़े शहीद सिंह गुरु दे चरणां विच भौरे बन गए, कदम बोसी कर गए, गुरु दा रूप हो निबड़े, उन्हां नूं डर नहीं रहिंदा। नर निह केवल निरभउ नाओ, अनाथ है नाथ करै बल जाओ। जेड़ा अकाल पुरख दे नाम दा आसरा तकदा है, वह अनाथ तो नाथ वाला खसम वाला हो निबड़दा है। नाम तो बिना निरभउ पद तैनूं होर कोई नहीं दे सकदा। मौत दा जमा दा रोगां सोगां दा पै नाम ही मिटाउंदा है। पुनरप जन्म नाही गुण गाओ, महाराज पातशाह कहिंदे ने, पुनरप जन्म उहदा नहीं होवेगा जिहड़ा अकाल पुरख दे गीत गा के अकाल पुरख विच अपेद हो जाएगा। उहदा
जमण मरना कटिया जाएगा। सच अ परसन इज नॉट रीइनकारनेटेड, उन्हें जूना विच नहीं आना पैंदा, निर्भय हो जाता है। सो ऐसी मेरे पातशाह दे पाक श्लोक दी विचार है। महाराज कहिंदे जन्मा जन्मा विच पौंदा रहा है, मौत दा भय खत्म करना है, रोग सोग मिटाउणे ने ते अकाल पुरख दे गीत गाया कर, तैनू नजात मिल जाएगी, तेरे रोग सोग मिट जाणगे। सो महाराज अगले शब्द दे विच फुरमान करदे ने, साडे लई हुक्म करदे ने, 703 अंग उत्ते ए पाक बाणी सुशोभित है। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, जैत श्री महला नौवा। मन रे साचा गहो बिचारा, राम नाम बिन मिथ्या मानो, सगरो एहो संसारा। रहाओ, दुनिया मिथ्या है, परमात्मा सत है, दुनिया असत है। इस शब्द राही पातशाह समझाउंदे ने जो है असत उहदा मोह कादा, जो नाल ही नहीं आया नाल जावेगा भी नहीं, जो नाल है जोत सरूप परमेश्वर उस दे लड़ लग, वह छड़ के नहीं जांदा। जदों छड़ के नहीं जावेगा ते रोग कादे, सोग कादे, दुख कादा, विछोड़ा कादा, तकलीफ कादी। सच्चा विचार यही है, इनू महाराज कहिंदे पकड़ ला। सच्चा दा भाव है सत्यावादी, जो सदीवी रहण वाला है, जो बिना मिलावट तो है, जो बड़ा खरा है, वह सच स्वरूप परमात्मा है। गह दा मतलब है गिरफ्त विच लेना, ये सच्चा विचार मन विच टिका लै, मन की गिरफ्त विच लै लै, इनू मन विच धारना कर। विचार दा भाव है तत्व दा निर्णा, असल यही विचार दुनिया की सच्ची है। खुदा सच है, बाकी सब झूठ है। असी झूठिया विचारां विच जीवन बिता रहे हैं, खुदा नूं असी मानते नहीं। जो झूठ है, जो माया है, उसनूं सच करके जानते हैं। ये सच्चा विचार की है? अगले बोल ने पातशाह दे, राम नाम बिन मिथ्या मानो, सगरो एहो संसारा। महाराज कहिंदे जो राम है, जिहदे विच जोगी जन रमण करदे ने, हर जरे विच समाया सर्वव्यापी परमात्मा, कहिंदे ओह सदीवी है। इत्थे राम दा मतलब रामचंद्र जी महाराज नहीं, उन्हां बारे भी बाणी विच जिक्र आउंदा है, गावन सीता राजे राम निरभउ निरंकार सच नाम। असल रामचंद्र जी महाराज भी उस रमे हुए राम नूं अकाल पुरख नूं गाउंदे ने जो सदीवी है। सो इत्थे राम दी बात है, जो रमिया होया अकाल पुरख है। रमत राम सब रहे उस माए, कहिंदे ओह हर युग विच हर जरे विच वसदा है, उहदे तो बिना बाकी सब मिथ्या है, असत है, जो सदा एक रस नहीं रहिंदा। सारा ये जिहड़ा संसार है ना, इनू महाराज कहिंदे मिथ्या समझो। संसार की हुंदा है? जो संसरण करे, जो वादा घटदा रवे, बदलदा रवे, आगाज हुंदा है, जाना हुंदा है, इउं संसार चलदा रहिंदा है। संसार वैसे मगरमच्छ नूं भी कह दिंदे, निहंग नूं भी कह दिंदे ने, जो बड़ा भयंकर है, ताकतवर है। सो महाराज ने अपनी कौम लई लफ्ज़ निहंग वरत्या सी, निहंग सिंह, बड़े घातक ने दुश्मनां दे लई, शस्त्रधारी ने ये, बड़े बोल साडे अंदर वीर रस पैदा करन वाले गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने बख्शे। असी मजाक बना दिंदे कई वार इन्हां बोलां दा, इन्हां बोलां नूं सुन के ही मुगलिया सल्तनत कंब उठदी सी, इन्हां जकारियां नूं सुन के ही मुगलिया सल्तनत डोल उठदी सी, इस बुलंद फतेह नूं सुन के थरथरा जांदा सी दुश्मन। ऐसे भारे बोल बापू ने सानू बख्शे ने। खैर, संसार तो भाव है जो बदलदा है, संसरण करदा है। कहिंदे इह संसार सदीवी नहीं है, बदलदा है, घटदा रहिंदा है, वधदा रहिंदा है। एक अकाल पुरख ही सदीवी है,
वो सदा रहण वाला है, बाकी सब महाराज कहिंदे मिथ्या है, ना रहण वाला है। बाणी दा फरमान है ना, बरन चिहन नाही किश रचना, मिथ्या सगल पसारा, भणत नानक जब खेल उजारै तब एकै एकंकारा। कहिंदे परमात्मा दुनिया साजदा एक तो अनेक हुंदा है, फिर ये खेल नूं उजाड़ दिंदा है, दुनिया नूं गर्क करके फिर अनेक तो एक ही रह जांदा है। सो ये सारा जितना भी खेल है ये महाराज कहिंदे मिथ्या है, इहदे विच सच्चाई कोई नहीं। जिवें बच्चा घड़ी पल लई रेता दा महल बनाउंदा है ते फिर ढा दिंदा है, दुनिया की सच्चाई इन्नी की है। बाणी दा फरमान है जितने साहा पात साहा उमराव सिकदार चौधरी, सब मिथ्या झूठ पाओ दूजा जान, चाहे तू राजा है तू चौधरी है तू निर्दन है तू सरदन है। महाराज कहिंदे तेरी जड़ सदीवी नहीं है, तू सुपने दी न्याई है, अज है कल नू मिट जावेगा। हर अविनाशी सदा थिर निहचल तिस मेरे मन भज परवान, एक अकाल पुरखी सदीवी है उहदे गीत गाते परवान हो जा, जीवन सफला हो जावे, बाकी सब मिथ्या है। एक कवि ने बोल के आ कहिंदा दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा, यादे खुदा किए जा तुझको खुदा मिलेगा, दौलत हो या हकूमत ताकत हो जा जवानी, हर चीज मिटने वाली हर चीज आनी जानी। कहिंदे चाहे जवानी है पैसा है तख्तो ताज है, रहना कुछ भी नहीं, अकाल पुरख एक रहण वाला है, उसनू याद करया कर, वो तेरा मरण सवार दवेगा, वो तेरा जन्म सवार दवेगा, तेरे रोग सो खत्म कर दवेगा। विश्राम दे के पातशाह फरमाउंदे ने जा को जोगी खोजत हारे पायो नाहे तेहे पारा। कहिंदे जेड़ा परमात्मा है ना उहदे समुचे गुणा दा पारावार पौना अंत पौना परला कंडा लभना उहदी ताकत दा नामुमकिन है। कहिंदे आम इंसान दी ते छड्डो, जेड़े जोग अभ्यासी ने। जोगी की है? सिख जगत विच जोगी कहा जांदा है जो आत्मा विच जुड़िया है, अकाल पुरख नाल जो जुड़िया है, जिन्हों बाणी कहिंदी है अन दिन जागै सच लिव लावै सो जोगी मेरे मन भावै, जेड़ा अकाल पुरख विच जुड़िया है। आम दुनिया विच जोगी कहा जांदा जो गोरखनाथ दे मत अनुसार जीवन बतीत करदे ने, जिवें बाणी च आउंदा ना जोगी गोरख गोरख करिया, जिहड़े गोरख नूं जपदे ने। कहिंदे चाहे गोरख नूं जपण वाले जोगी ने, चाहे कोई ऐसा जोगी है जिहड़ा रब विच जुड़िया है, एक दृष्ट कर समसर जाणै जोगी कही है सोई जो हर जरे च रब नूं जाणदा है। कहिंदे इन्हां सारियां ने खोज कीती ढूंढ कीती तलाश कीती पर पारा परला कंडा अकाल पुरख दा ये भी नहीं पा सके। ऊचे ते ऊचा दरबारा कहण ना जाई अंत ना पारा, अकाल पुरख बड़ा उच्चा है। समुंदर दा ते कंडा नजरी आ जांदा है, उहदा कोई कंडा नजरी नहीं आउंदा। गहर गंभीर अथा स्वामी अतुल ना जाई क्या मिना, समुंदर भी मिणिया जा सकता है पर खुदा मिणिया नहीं जा सकता। अंत ना पारा कीमत नहीं पाई, आपे दया करे सुखदाता गुणमय गुणी समाया, सागरां दा अंत नहीं पैंदा सागरां विच अभेद होया जा सकता है। परमात्मा दा अंत नहीं पैंदा, कुजे विच समुंदर नहीं समाउंदा, कुजा समुंदर विच समा सकदा है, तू परमात्मा विच समा सकदा है। सो महाराज कहिंदे बड़े बड़े जोगी जन वी उहदा अंत नहीं पा सके।
अगे पातशाह आखन लगे सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। वो सारयां दा स्वामी है, भरता है, खसम है, मालक है, आका है, साढ़े सिर दा साई है। महाराज कहिंदे वो तेरे निकट ही है, जोत बन के समाया है तेरे विच, वो बड़ा नज़दीक है तेरे। कह रविदास हाथ पै नेरे, हथों भी नेड़े है। भाई नंद लाल जी दी फारसी दी एक गज़ल है, खुदा हाजिर बवद दायम बबी दीदार पाकशरा ना गिरदाबे दरो हासिल ना दरिया ना ओ ना साहिल हा। केंदे परमात्मा हाजिर है, प्रतख है, मौजूद है। वो कोई घूमण घेरी नहीं है जेदी खोज ना कीती जा सके। ना वो दरिया है, ना वो नदी है, क्योंकि इन्हां दे कंडे हुंदे ने, परमात्मा दा कंडा ही कोई नहीं है। वो हर जरे विच मौजूद है, वेखण वाली अख होवे ते दर्शन दिंदा है। नामे देख नारायण हसे, जिवें नामदेव जी नूं दर्शन दित्ते। सो महाराज पातशाह कहिंदे हर हर निकट वसै सब जग कै अपरंपर पुरख अतोली। वो सारयां दे नेड़े है, हर हर प्रगट कियो गुर पूरै सिर वेचियो गुर पै मोली। पर दर्शन उसनूं दिंदा है जिसने गुरु दे चरणां विच सिर झुकाया। गुरु दा ही निर्गुण स्वरूप अकाल पुरख है, जिसने गुरु दे दिदारे कर ले वो खुदा दे दिदारे कर लैंदा है। जोत रूप हर आप गुर नानक कहायो। सो गुरु दे चरणा विच अपेद होया उदी प्राप्ति है। जे तुसी निर्गुण तौर ते उदा रूप वेखना चाहो, कहिंदे उदा आकार ही कोई नहीं है, सरगुण तौर ते वह गुरु दा रूप है। इत्थे महाराज पातशाह दीन दुनिया दे मालक कहिंदे ने वह तुहाडे नेड़े है, पर इस गल दा ख्याल रखियो ना रूप है ते ना उहदी कोई रेखा है। रेखा दा भाव कोई लकीर नहीं है उहदे हत्थां दी। जदों रूप ही है नहीं, मूरत ही है नहीं, ते लकीर का दी है निर्गुण स्वरूप दी। रेख तो भाव है क्रोध, उहदे च क्रोध भी नहीं है। वह दुनिया विच वसदा होया भी सब तो न्यारा रहिंदा है, जुदा रहिंदा है। जिवें सूरज दीआं किरणां हर जरे ते पैके भी सूरज साढ़े नालों वख है, न्यारा है। सो परमात्मा ऐसा है, जिवें कलगीधर कहिंदे ने ना देश और ना भेस जाकर रूप रेख ना राग जत्र तत्र दिशा विशा होए फैलियो अनुराग। जिवें खुशबोई दिखदी नहीं पर फुल्लां विच मौजूद है, परमात्मा प्रेम बन के हर जरे विच समाया है। पर वो निर्गुण दा ना कोई रूप ते ना कोई रेखा है, ना राग रंग रूप हैं, ना रोग राग रेख हैं, अदोख अदाग अदग हैं, अपूत अप्रम अपेख हैं। पातशाह उदे बाबत कहिंदे ने ना तात मात जात हैं, ना पात चिहन वर्ण हैं, अदेख असेख अपेख हैं, सदीव विस्परण हैं। ना माता है, ना पिता है, ना रूप है, ना रेखा है, फिर भी हर जरे विच मौजूद है। जिवें साड़ी अकिरति शीशे विच समाई है, फुल्लां च खुशबोई है, परमात्मा हर जरे विच है। तिस रूप ना रेख अदृष्ट कहो जन क्यों त्याई, निरंकार नरिंजर न हर अगम क्या कह गुण गाइए। गुरु नूं पुछियो पातशाह उहदी रूप रेखा नहीं, उहनूं किवें गाइए। जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाइया, गुर पूरा वेखा लिया गुर सेवा ते पाइया। जेड़ा किसे नूं नजरी नहीं आउंदा गुरु नानक दे चरणां विच आया नजरी आ जांदा है, गुरु ही दिखाउण वाला है। सो महाराज अगे कहिंदे ने पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहे संभारा। कहिंदे अरदास करो परमात्मा अगे, हे परमात्मा तेरा जोगी जन अंत नहीं पा सके, असी अंत की पाउणा सी। तेरा नाम बड़ा पवित्र है, पावन है, जेड़ा भी जपदा है वो
महाराज पाक हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उहदे चों काम क्रोध विकारां दी मैल लै जांदी है। तेरा जिहड़ा नाम है ना, जो तेरे पाक नाम ने, जो साढ़े ते एहसान करदा है, करम नाम करम करदा है, करीम है, रहम करदा है, रहीम है, ऐसे जिन्ने भी तेरे नाम ने जो बड़े पवित्र ने, पाक करन वाले ने, जेड़ा भी तेरे नाम दा अभ्यास करदा है ना, वो भवसागर तो तरदा है। पर असी इस जगत तो पार नहीं लंघ सकदे, उहदा कारण है तेरा नाम कदे संभालिया ही नहीं है, जपिया ही नहीं है। ऐ सब नू हरियां भरियां करन वाले परमात्मा, हर को कबहू नाहे संभारा, तेरे हरियां भरियां करन वाले नाम नू मैं जपिया ही ना, जीवन अजाई बीतदा गया, तेरे नाम नू सांभिया ही ना, तेरी तलाश ही ना कीती। हुण तरला लैणा है पातशाह कहिंदे खुदा अगे, नानक शरण परयो जग बंदन, राखो बिरद तुहारा। महाराज कहिंदे ऐ परमेश्वर, ऐ जगत दे मालक, तेरी शरण आए हाँ, तेरी ओट विच आए हाँ, हुण तेरा ही आसरा है। उमरा बतीत हो गई है, तेरे गीत नहीं गाए, जीवन व्यर्थ जा रहा है। हे संसार दे मालक, जगत दे प्रतिपालक, दुनिया नू रचन वाले, तेरे चरणा दे विच असी वंदन करदे हाँ, असी सिर झुकाउंदे हाँ, प्रणाम करदे हाँ। तेरा जिहड़ा बिरद है ना, तेरा जिहड़ा मुढ़ कदीमी सुभा है, वह है तू शरण आया दी रख्या करदा है। तेरा रोज़ दा पावन धर्म ही ये है, तू चरणा विच आया दी लाज रखदा है। तू जिहड़ा बचन कर दिता ना भी पतत पावन बिरद है तेरा, भगत वशल बिरद है तेरा, भगतां नू तू रखदा है, ये तेरा सुभा हर युग विच है। जिहड़े भी तेरी शरण आउंदे ने तू उन्हां दी रख्या करदा है। ये कहना है प्रभ अपना बिरद सुमारिया, मेरे गुण अवगुण ना विचारिया, कंठ लाए कै रखियो न लगे न तती। वाओ जियो, तू तती वानी अपने प्यारिया नू लगन दिंदा, तू मौत दा भय दूर करदा है, रोग सोग मिटाउंदा है। इउं परमात्मा अगे बेनतियां करिया करिए, मौत दा भय मिटेगा, रोग सोग मिटणगे, जीवन सफला होवेगा। भुल चुक दी खिमा जी, दास इत्थे ही विचार नू संकोचदा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।